नमस्कार दोस्तों, रीड वैकेंसी 2020 से जुड़ी आज की बड़ी खबर आ रही है। नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है, रीड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। एग्जाम पेपर और परीक्षा तिथि को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए पूरी ऑफिशियल न्यूज़ इस वीडियो के अंदर, तो देखते हैं पूरी ऑफिशियल न्यूज़। देखिए दोस्तों, ये आज की ऑफिशियल न्यूज है। शिक्षा विभाग में समयबद्ध रूप से हो भर्तियां, सीएम अशोक गहलोत ने कहा है शिक्षा विभाग में जितनी भी भर्तियां हैं, रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड भर्तियां हैं, वो समय पर हो। इन्होंने खुद सीएम ने शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। आज की ये बड़ी खबर है, देखते हैं आगे क्या है। जयपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सके, इसके लिए जो भी सरकार भर्तियां करती हैं, जो विभागों में न अटके, वो समय पर हो, उनको अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर भर्तियाँ समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि रीट परीक्षा 2020 समय पर आयोजित की जाए, यानी उनको शिक्षा विभाग को और अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि रीट परीक्षा है 2020 है समय पर, यानी 2 अगस्त को ही आयोजित की जाए, जिससे कि सरकारी स्कूलों में जितने भी खाली पद हैं वो भरे जा सके। गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने समीक्षा बैठक में ये कहा है कि जितनी भी सरकारी भर्तियां हो रही हैं उसको समय पर निपटाया जाए, जो युवाओं की जो तकलीफ होती है उसको सुना जाए। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल स्थान हासिल करे। उन्होंने इसके लिए शिक्षा विभाग में स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड भर्ती है, उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड है, तृतीय श्रेणी शिक्षकों यानी रीट परीक्षा 2020 में होगी, अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने रीट परीक्षा है और जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा यानी जो सेकंड ग्रेड है उनके जो डॉक्यूमेंट भी हो गए हैं और जो उनकी जो फाइनल जो अभी भी रिजल्ट नहीं आया है उनको लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए रीट परीक्षा 2020 का आयोजन है वो समय पर हो, यानी उन्होंने समय पर रीट परीक्षा करवाने के लिए निर्देश दिए हैं और ये आशा है कि अप्रैल तक, लगभग अप्रैल तक इसका जो वैकेंसी का जो पैटर्न है वो पूरी वैकेंसी है वो जारी हो जाएगी। किस पद पर, मान लो किस विषय पर कितने अध्यापक लिए जाएंगे, पूरी जो सिलेबस है उसका लगभग अप्रैल तक जारी हो जाए। इसके लिए सिलेबस तैयार करने के भी निर्देश दिए उन्होंने। सिलेबस पर जो मंथन चल रहा है सरकार के द्वारा, बार बार मीटिंगें हो रही है लेकिन सिलेबस तय नहीं हो रहा है। जो पुराना सिलेबस है अभी भी विद्यार्थी कंफ्यूज बने हुए हैं कि किस वजह से कितने सवाल आएंगे, राजस्थान का वेटेज कितना होगा, इनके लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। इसके न केवल स्कूलों में रिक्त पद भरे जाएगा और स्कूलों में जितने भी रिक्त पद हैं उनको समय पर भरा जाएगा। हमारा ये एकमात्र YouTube चैनल एजुकेशन चैनल है, इस चैनल पर हमेशा शिक्षा विभाग है, कोई भी एजुकेशन संबंधी न्यूज़ है सबसे पहले दी जाती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में लगे बेल आइकन को भी दबाना न भूलें।